नमस्कार दोस्तों, कानून की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको 380 आईपीसी के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। 380 आईपीसी क्या है, इसमें क्या, इसलिए कहते हैं 380। 380 आईपीसी वह है, कोई भी व्यक्ति अगर किसी घर, निवास, जलयान, जहाज आदि में अगर कोई व्यक्ति चोरी करता पकड़ा जाता है, वो 300 आईपीसी के तहत आता है। किसी भी व्यक्ति को अगर किसी के निवास घर में चोरी करता पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ पुलिस 380 में मुकदमा दर्ज करती है। दोस्तों, ये कहा जाता है कि 380 में कोई भी व्यक्ति भी अपने घर या किसी के मंदिर या किसी के निवास आदि में अगर वो चोरी करता पकड़ा जाता है, 380 उसके खिलाफ दर्ज होती है। ये 380 जमानती धारा नहीं है, इसमें व्यक्ति को 7 साल की सजा, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। सिर्फ दोस्तों, 380 में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति निवास घर में या मंदिर में, मस्जिद में, किसी में के अंदर अगर चोरी करता पकड़ा जाता है, 380 की आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज होता है और उसको 7 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। अगर इसमें वो लिप्त पाया जाता है तो उसको कन्फर्म मानो 7 साल की सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाता है। अगर दोस्तों मेरा चैनल कानून की आवाज़ अब आपको पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, और आपके दिमाग में अगर कुछ ऐसे बात आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछें।